नमस्कार दोस्तों, 5 अप्रैल की महत्वपूर्ण खबरें एक छोटे से वीडियो में, जरूर देखिए पूरा वीडियो। सबसे बड़ी अपडेट है, भारत इस समय संकट की स्थिति में है। मरकज के मरीजों से महामारी का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक 3072 मामले आ चुके हैं, 75 से ज़्यादा यहाँ पर मौतें हो चुकी हैं, बड़ी अपडेट है ये। उसके बाद यूपी में अब तक 258 लोग संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरकज से संबंधित ही लोग संक्रमित हैं। कल की डेट की अगर हम बात करें तो लगातार 24 घंटे में 108 से ज़्यादा नए मरीज यहाँ पर आ चुके हैं। अगर बात करें दूसरी अपडेट की तो देश में 3072 लोग संक्रमित हैं, इसमें से 32% लोग ऐसे हैं जो जमात से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। और ये लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है, हमें रोज़ एक नई लड़ाई लड़नी होगी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। क्योंकि इस संख्या में अब लगातार इजाफा होने वाला है, 75 से ज़्यादा इसके कारण मौतें भी हो चुकी हैं। और इसके बाद यूपी में एक दिन में केवल 72 लोग संक्रमित मिले, और इसका भी कारण केवल जमात से जुड़े ही लोग हैं। अभी तक 253 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 105 लोग ऐसे हैं जो तबलीगी जमात से संबंधित हैं, बाकी लोगों की जांच अभी चल रही है इसके बारे में। उसके बाद प्रधानमंत्री ने आज आह्वान किया है 5 अप्रैल को रात 9:09 के लिए सभी लोग दीप जलाएंगे अपने घर की बालकनी में खड़े होकर, और घर की सभी लाइटों को बंद करके रखेंगे, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। अगर हम बात करें एयरलाइंस की और रेलवे की, तो दोनों चरणबद्ध तरीके से सेवाएं 15 अप्रैल से शुरू कर सकते हैं। लेकिन रेलवे और एयरलाइंस की अगर हम बात करें, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली और ट्विटर के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि हम अभी सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अगर आदेश नहीं आता है सरकार का 15 अप्रैल से ये शुरू करने के लिए, तो ये सेवाएँ शुरू नहीं भी हो सकती हैं। अब मुक्त विवि की बात करें तो इन्होंने अपनी आवेदन तिथि बढ़ा दी है। जी हाँ, आवेदन तिथि में बढ़ोतरी की गई। अब इसके लिए आप आवेदन 30 अप्रैल तक कर पाएंगे, अभी तक 20 अप्रैल तक की आवेदन तिथि थी, अब इसे 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राहत की अगर यहाँ पर बात करें तो TDS में छूट दे दिया गया है। जी हाँ, TDS फॉर्म में छूट दी गई है, 30 जून के बाद भी जमा कर पाएंगे आप इस फॉर्म को। आयकर विभाग ने घोषित की फॉर्म 15G और 15H जमा करने के लिए छूट, बड़ी अपडेट। उसके बाद अब जून में आएगा यूपी बोर्ड का परिणाम। उत्तर प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाईस्कूल और 12वीं की परीक्षा दी है, वो इंतज़ार कर रहे हैं इसका परिणाम का। तो फिलहाल जो इसका आदि मूल्यांकन है वो अगले आदेश तक स्थगित किया गया है, और इस कारण से उम्मीद कर सकते हैं कि अब इसका जो रिजल्ट है जून में ही जारी हो सकता है, क्योंकि मूल्यांकन ही नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करें लॉकडाउन में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पर, तो इसका मामला पूरी तरह से अटका हुआ नजर आ रहा है। अभी तक इस भर्ती को पूरा हो जाना चाहिए जिस हिसाब से हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए गए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते ये भर्ती फंसती नजर आई है। BEd में प्रवेश के लिए आवेदन की जो तिथि है उसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। जी हाँ, अब अगर आप BEd में प्रवेश चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, पहले 20 अप्रैल तारीख थी। 3 महीने की छूट की कीमत 11 महीने तक अधिक EMI, यानी कि अगर आप 3 महीने की जो छूट दी गई है EMI में, ये 11 महीने तक इसकी EMI आपको चुकानी पड़ सकती है अगर आपने जरा सी भी लापरवाही बरती। यहाँ पर अब ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं आप। जी हाँ, BHU के कुलपति और मंत्रियों ने लगा दी है फटकार इस कारण से, क्योंकि आप ऑनलाइन तैयारी नहीं करवा रहे, इसके तहत उन्होंने जारी कर दिया है कि अब ऑनलाइन इसके लिए आप तैयारी करें। प्रदेश में घर से बाहर मास्क पहनना हो सकता है जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही ये आदेश कर सकते हैं कि घर से बाहर निकलने के लिए आपको मास्क पहनना जरूरी हो सकता है उत्तर प्रदेश में, बड़ी अपडेट है। उसके बाद बात कर लेते हैं PCS 2019 मुख्य परीक्षा की। फिलहाल इसे आधिकारिक तौर पर अभी कहा नहीं गया है, लेकिन सूचना ऐसी मिल रही है कि ये भर्ती PCS 2019 की मुख्य परीक्षा पूरी तरह से स्थगित की जा सकती है, ऐसी अपडेट आ रही है अधिकारियों के द्वारा। विभिन्न न्यूज़ समाचार पत्रों में ऐसा कहा गया है, लेकिन अभी आधिकारिक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है, जल्द ही जारी हो सकता है नोटिस।
यूपी बोर्ड के विद्यार्थी भी कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई। जी हाँ, अब यूपी बोर्ड के अभ्यर्थी भी ICIC और CBSE जैसी लोग तरह ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब और अन्य लिंक जारी किए गए हैं इसकी पढ़ाई के लिए। अगर हम बात करें अगले सप्ताह आधा दर्जन पीठ बैठेगी यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती 12,460 जीरो जनपद के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगले हफ्ते से आधा दर्जन पीठें बैठ सकती हैं। उच्च न्यायालय ने 18 व 19 मार्च के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण होगा, वकीलों का सहयोग ईमेल के माध्यम से लिया जाएगा और विभिन्न केसों की सुनवाई शुरू हो सकती हैं और जो रिजर्व आदेश हैं वो भी यहां पर जारी किए जा सकते हैं, ऐसा आजकल की डेट में आदेशित किया गया है। देखते हैं कल की डेट से क्या होता है। यहां पर जो भर्तियों के ऑर्डर से फंसे हैं उनके लिए अच्छी खबर है, उनके रिजर्व आदेश आ सकते हैं। GST पर सरकार ने कारोबारियों को राहत दे दी है। जी हाँ, GST पर सरकार ने सभी कारोबारियों को यहाँ पर राहत दी है और यहाँ पर राहत आपको 10% की यहाँ पर दी जा रही है। इसके लिए आपको फ़ायदा लेने के लिए, पूरी जानकारी के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। झटका लगा है Under-17 महिला विश्व कप पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है और कोरोना के चलते इस पर अभी तक असमंजस था कि करवा लिया जाए, लेकिन अब जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है इसको देखते हुए इसे पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें दुनिया में अब तक जो मौतें हैं वो 60,000 को पार कर चुकी हैं, 60,400 मौतें हो चुकी हैं और 11,33,767 अभी तक मामले आ गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, इनमें बढ़ोतरी होती जा रही है। MLC सीटों पर चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले MLC चुनाव को अगले आदेशों तक टाल दिया है, पूरी तरह से इसे निरस्त कर दिया है। अब बात कर लेते हैं रोडवेज बस पर, रोडवेज बस 15 अप्रैल से चलेंगी कि नहीं चलेंगी इसके लिए 10 अप्रैल तक फैसला लिया जा सकता है विभाग के द्वारा। अभी फिलहाल इस पर असमंजस है कि बसें चलेंगी या नहीं चलेंगी। 1.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि जारी की गई है। जी हाँ, 2,000 रुपये अगले 2 से 3 दिन में किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। जी हाँ, प्रत्येक किसान को 2,000 रुपये भेजे जाएंगे सम्मान निधि के तहत ये भेजा जा रहा है। दिक्कत आ गई है, भारत में होने वाला फीफा महिला विश्व कप पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। पहले भी मैंने अपडेट किया है आपको, लेकिन महिला विश्व कप पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बड़ी अपडेट है यहाँ पर, 21 नवंबर को ये आयोजित होना था, इसे रद्द कर दिया गया है।